पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, कुछ देर कुछ बातें निवेदन है। हम सब यहाँ मानव तन को पा करके बैठे हैं, इसे बड़ा सौभाग्यशाली माना गया है, ये तो बातें सब जानते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का तन सौभाग्य से है कि दुर्भाग्य से है? सौभाग्य से है, ऐसा सब लोग कहते हैं ना, बोल दिया करो, कहते हैं कि नहीं? तो इसका सौभाग्य क्या है? सौभाग्य मिला है रो रो के जीने के लिए कि हंस हंस के जीने के लिए, तमाकू बीड़ी गांजा धतूर खा खा कर जीने के लिए, शुद्धता सफाई से जीने के लिए? कौन सा सौभाग्य है? सौभाग्य मिला है इसीलिए तमाकू खैनी बीड़ी सिगरेट जो पाओ सो भरते जाओ, सौभाग्य से शरीर मिला है इसीलिए न खाने योग्य जानवर को खाद्य को भी खाते चले जा रहे हैं, सौभाग्य से मानव तन मिला इसलिए लड़ लड़ के झगड़ा करके राग द्वेष करके बेईमानी दगाबाजी करके जियो, इसीलिए मिला है ना सौभाग्य से, इसी को सौभाग्य कहें क्या और कुछ कहें? ये माताओं बहनों को सौभाग्य से मिला है तो राग द्वेष एक दूसरे की निंदा बुराई करते रहो लड़ते रहो तो मजा आएगी, क्योंकि मानव तन मिला है। अरे ये सब महादुर्भाग्य है, अगर ये करते हैं तो बल्कि पशु होते तो अच्छा रहता, कोई चिंता नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई दगाबाजी नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई बंटवारा नहीं। पक्षी बंटवारा करती है, कोई जानवर बंटवारा करते हैं अपना जगह जमीन घर द्वार, हैं तमाकू खैनी बीड़ी शराब अंडा मांस मछली, अपने खाने के अलावा कहीं उनका मन चलता है? शाकाहारी जानवर है तो शाकाहारी रहेंगे, उनको पढ़ाना नहीं पड़ेगा कि तुम शाकाहारी हो यहीं रहो, अब मांसाहारी है तो उसको पढ़ाना नहीं पड़ेगा तुम घास खाओ, वो अपना मांस खोजेगा पक्षियों में कीड़ों में जानवरों में। लेकिन इस मनुष्य को जो सौभाग्य से बहुत पढ़ाना पड़ता है फिर भी ये पढ़ता नहीं है, इसलिए महादुर्भाग्य से शरीर मिला है। अगर जो नहीं समझता है इस बात को तो उसे इस धरती में रहने नहीं लायक है, वो पशु तो रहने लायक है, वो प्रकृति में जीता है, लेकिन ये अभागा मानव धरती पर रहने लायक नहीं है, वो धरती को पाप से भर देता है और वो सोता ही रहे तो ठीक है ऐसा इंसान, उसको जगाओ मत, वो जहां जाएगा पाप बढ़ाएगा, दुख बढ़ाएगा, समस्या बढ़ाएगा, आतंक बढ़ाएगा। जो यहाँ जगा इंसान है, जो जागृत पुरुष है, उसको सोने मत दीजिए, उसको जगाते रहो ताकि सबको जगाता रहे, सबको खुशियाँ बांटता रहे, सबको इंसानियत की बात और रास्ता बताता रहे। इस बात को कभी सोचते हैं हम? बड़े भाग मानुष तन पावा, सब पढ़ लिए बढ़िया से, सभी ग्रंथ गा रहे हैं, सभी संत गा रहे हैं, वाह वाह, यह कहने से काम नहीं चलेगा भाइयों, क्योंकि जो जागल सो भागल हो रमैया राम, असोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। सत्संग में कितना बढ़िया हो सुनाया जाए, सही सोता हो तो जागने वाला तो कहेगा वाह वाह अमृत की वर्षा हुई, सोने वाला क्या कहेगा? एक जगह ऐसे सत्संग हो रहा था तो एक ऐसे भगत जी जैसे ज्यादा जिज्ञासु रहे, चलिए ना भाई साहब चलिए ना जी सत्संग में, कह नहीं नहीं भाई हमको टाइम नहीं है, टाइम का बड़ा अभाव होता है सत्संग के लिए, नाच सिनेमा के लिए तो सब छोड़ो, उधर चूल्हे भाड़ में जाओ खेती बाड़ी चलो नाच सिनेमा देखना है। तो चले एक सेठ जी रहे तो उनको कहाँ फुर्सत सेठ को, लेकिन भगत जी नहीं माने, चलो जी सत्संग में चले गए वहाँ। तो संत भाई अब अपने कथा में लगे थे तो देखे कि हाँ दो जिज्ञासु आए, भगत जी तो नमन करके बैठ गए और जो नए आदमी आए थे सोचे कि यहाँ कोई कुर्सी तो है नहीं है, कोई गद्दा भी नहीं बिछा है, थोड़ी देर पीछे खड़े रहे तो एक पेड़ था
उसी की जड़ में ऐसे करके बैठ गए। आनंद कुछ आ नहीं रहा था, समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि ये क्या सुना रहे हैं, तो नींद लेने लगे। तो नींद के समय वो दिन भर के सेठ आदमी थके मांदे और मुंह खुल गया से। अब भगत जी तो सत्संग में धुने रहा है, हाँ गुरु महाराज बहुत बढ़िया जी साहब बहुत अच्छा, मस्त रहे ज्ञान की चर्चा में। और उधर सेठ जी दीवाल की आड़ में पेड़ पर जड़ में बैठे खर्राटा लेने लगे। उधर से कुत्ता आया और अपना टांग उठाया और चढ़ाया जल और निकल लिया, उनके सीधा मुख में चला गया। बस एक दो मिनट में सत्संग बंद हुआ। भगत जी जय बुला करके खड़े हुए, वाह वाह ऐसा अमृत वचन, कितना मीठा सत्संग सुनाई पड़ा। तो पीछे सेठ जी रहे वो भी हल्ला सुनकर जागे और अपना जीभ बढ़ाए, अगल बगल टेस्ट लिए, क्या बात कहते हो भगत जी, सत्संग सुने इतना खारा खारा लग रहा है। और तुम कहते हो मीठा मीठा सत्संग है। तो बाद में बगल में एक आदमी देखा था, उसने कहा खारा कैसे नहीं लगेगा, कुत्ता पेशाब कर गया है मुख में। तो भाई देखो सत्संग मीठा ही होता है। अब जो सो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं सुनेगा, उसके लिए खारा ही हो जाएगा। तो सोना नहीं है सत्संग में। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। जो जगेगा वही बुराइयों से भागेगा और जो सोएगा वो क्या भागेगा। इसको पता ही नहीं है कि मुझे मानव तन मिला है। इसी तन को बुद्ध पाए थे, इसी तन को रामकृष्ण पाए थे, इसी तन को कबीर पाए थे, इसी तन को महावीर पाए थे, इसी शरीर को बड़े बड़े वैज्ञानिक मानव जीवन में जीते हैं, कमाल कर जाते हैं। हजारों साल बीत गए, आज उनको हृदय में बसा करके और याद किया जाता है, आंसू आ जाते हैं, गला भर जाता है, उनके बताए मार्ग पर चला जाता है, क्या बात है। उनके पास धन ज्यादा था क्या, उनके पास क्या ज्यादा था, बुद्ध ज्यादा डिग्री पढ़े रहे क्या, कौन से विश्वविद्यालय में पढ़े थे, कौन सा गोली बंदूक लेकर चलते थे, ये सब कुछ नहीं। त्याग वैराग्य था, मानवता थी, करुणा थी, इसलिए याद किया जाता है। ऐसे तमाम उनके साथ बहुत से भक्त जुड़े थे। सुदत्त नाम का एक भक्त था, वो अपनी सारी संपत्ति लगा करके एक जंगल खरीद करके बुद्ध को दिया था। यही वही उन्हीं की धरती है ये बिहार, इसका नाम बिहार, तथागत बुद्ध के ये पावन चरणों के ही मानव अमृत वचन से नाम पड़ा। यहाँ बुद्ध बिहार बहुत है, इसीलिए बिहार प्रदेश है। तो उनकी धरती में रह करके हम लोग सोते रहे, तमाम भगवान भरोसे सोते रहे, देवी देवताओं के 33 करोड़ देवताओं के भरोसे सोते रहे, तमाकू बीड़ी गांजा धतूर बीड़ी सिंगरेल लड़ाई झगड़ा मांस मदिरा, ये क्या जिंदगी है हमारी, हम मतलब सो रहे हैं। भोंदू भाव न जाने पेट भरे से, दो तरह के लोग भजन नहीं करते हैं, एक तो भोंदू नहीं करे तो पेट भर लीज बस, एक दूसरा और बड़ा अहंकारी। उसके लिए कबीर साहब कहते हैं बड़े गए बड़ा अपने रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। तो चमड़ी की देह ले चमार बने रहते हैं, भजन वजन नहीं करते हैं। तो ऐसे अहंकारी नहीं बनना है। ये धन का अहंकार किस काम का, परिवार का अहंकार किस काम का, पद का अहंकार किस काम का, और रो रो करके घुट घुट करके पश्चाताप में टेंशन में चिंता में नींद नहीं आ रही है, सब कुछ होते हुए चिंता में व्याकुल है, तो जिंदगी हमारी कहाँ अच्छी है। किसका महत्व देना चाहिए, जगा जगना चाहिए। अंधविश्वास मत रखो जीवन में, तब आप जगे हुए माने जाओगे। दुर्व्यसन मत रखो जीवन में, तब आप जगे हुए जगने की क्या पहचान है बताइए, किसको हम कहें कि ये जगा हुआ इंसान है। अगर आपके अंदर अंधविश्वास नहीं है, अंध मान्यताओं से दूर हैं, चाहे वो ईश्वर की विश्वास हो, अंधविश्वास हो, चाहे भूत प्रेत का हो, चाहे देवी देवता का हो, चाहे तमाम टोटका पुटका जादू मंत्र झाड़ फूंक ये सब कर्मकांड दुनिया का हो,
इससे आप दूर हैं तो जगे हुए हैं, नहीं सो रहे हैं, अभी आपको आंखें नहीं खुली हैं। और दुर्व्यसन मुक्त जीवन होना चाहिए, इतना डॉक्टर बता रहे हैं, सारे महापुरुष बता रहे हैं, आपके माता पिता बुजुर्ग समाज के लोग कह रहे हैं कि सारा ये नशा पत्ती शरीर के लिए हानिकारक है, इससे रोग बढ़ते हैं, घातक बीमारी आती है, पैसा नाश होता है, इतनी मेहनत से कमाया जाता है, कोई उसमें विटामिन नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, कोई शरीर चलने का उसमें पोषक नहीं, तो फिर भी खा रहे हैं। आदत, बस आदत की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी। तो गुलाम आदमी कभी सुखी होता है क्या? ताश पत्ता खेलते हैं ना, बहुत लोग खेलते हैं, उसमें तीन पत्ता बड़े मजबूत होते हैं। कौन कौन होते हैं? गुलाम, बेगम, बादशाह। तो भाई अब जो बेगम से हार जाता है वो क्या होता है? गुलाम हो जाता है ना, और जो बेगम से जीत जाता है बादशाह हो जाता है। अरे भाई उस बेगम, कहीं औरत को मत समझिएगा, यहां बेगम है अपनी इंद्रियां, इंद्री है स्त्रीलिंग शब्द, तो बेगम है इंद्रियां, इंद्रियों से जो हार जाता है वो गुलाम होता है, और जो इंद्रियों से विजय प्राप्त कर लेता है, जीत जाता है, वो बादशाह होता है। सद्गुरु कबीर बताते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहन पतिसाह। कुछ नहीं चाहिए मुझे, इसका मतलब वो इंद्रजीत हो गया, वो इंद्रियों के भरोसे इच्छाओं के में पागल नहीं है। भोजन हमको सहज मिल जाता है, इससे जीवन निर्वाह होता है। बीड़ी पान तंबाकू गांजा धतूर से निकलता है क्या? निर्वाह होता है। और सहज माता पिता बहन भाइयों में, परिवार में, समाज में व्यवहार करने से, इनके भरोसे इनके रहते हुए रक्षा हो रही है। इनमें हम व्यवहार नहीं कर रहे अच्छा, इनके साथ दगाबाजी, बेईमानी, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं, भगवान रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की, देवी देवताओं की, हनुमान जी को लड्डू चढ़ा रहे हैं सब प्रकार से। अरे हनुमान जी क्या करते थे? आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। इस बात को कहाँ भूल जाते हो, जान को पकड़ लेना चाहिए, मुर्दा का ना पकड़े चाहिए। रामायण की जान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल, ये है जान। जहां निकल गए तो फिर क्या मचता है? मट्टी मुर्दा। शिव जी निकल गए तो क्या रहा था? सौ। ये शरीर है, ये शरीर मतलब शरीर और सारी बातें कह है, साड़ी पहन ले तो औरत सुव्यवस्थित लगती है, ये शरीर हटा दो और इसमें से जीव निकल गया, शिव जिसे कहते हैं, शिव जी निकल गए तो ये सौ बचा तो कहा जल्दी गाड़ो इसको दफनाओ। तो शिव जी का महत्व तो है, तो शिव जी बाहर ढूंढने नहीं जाना चाहिए, ये शिव जी भीतर बैठा है, इसको ध्यान लगाना है, इसको समझना है। इसको समझने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। कितने लोग गुरु किए हैं? जिनके गुरु नहीं हो तो क्या करते जानते हो? उनके लिए अब जंत्री में लिखा है पत्रामा, आज गुरु पूर्णिमा है, तो जिनके गुरु नहीं तो क्या करेंगे? डिब्बा मुंह बगाड़ेंगे, अब पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी कहे जा गोबरे गोबर का ले ले और दरवाजे के इधर उधर एक पुतला बना दे, वही आए गुरु। और फिर बेढ़नी लफसी और बढ़िया से अच्छा भात मीठा बनाए के खवा दे, गुरु खुश हो जाइए। तो एक त्यौहार आता है, यहाँ मनाते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश में मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, मतलब आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो उस दिन उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके में, कुछ ज़िले में करते हैं कि एक दाल भरी पूड़ी बनाते हैं, आटे की, चने की दाल भर के पीस के, तो बस उसी को खिलाते हैं, मीठा मीठी लपसी और उसको। अब घर में बच्चा रोता है, बूढ़े रोते हैं कि जल्दी भोजन बनाओ, भूख लगे, पहले गुरु की पूजा। तो गोबरे का गुरु, जिसका गोबरे का गुरु, अगर बुद्धि कैसी होई? अरे संतों को गुरु बनाओ, जो शांत प्रकृति से जीना सिखाते हैं,
ये माता पिता गुरु हैं, संत गुरु हैं, माता पिता इसलिए गुरु हैं कि व्यवहारिक बातें बता करके, जीने की बात बता करके बड़ा कर देते हैं, धन दौलत सब दे देते हैं, इसलिए माता पिता गुरु हैं। ये समाज के लोग सब गुरु हैं क्योंकि बहुत सा सहयोग करते हैं, लेकिन इनसे भी ऊपर संत गुरु हैं कि हमें आत्म ज्ञान देते हैं, जीने की कला बताते हैं, साहस हिम्मत मन इंद्रियों को जीतने के लिए देते हैं। और फिर कहें कबीर, पाछे पछताइहो या घर से जब वा घर जइहो, वा घर के लिए पूंजी देते हैं कला कि कमाओ और धनी बनो और चलो। तो इसलिए हमें जग करके इस मानव जीवन में आंख खोल करके देखना चाहिए। यहां से सुने हो महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध जब घूमने गए तो पहले देखे कि एक मुर्दा देखे, एक बुढ़ा देखे, एक रोगी देखे, उनका कपार खुल गया। अब हम लोगों का कपार नहीं खुल रहा है कि यहाँ एक से एक दुखी, अब मार काट मुकदमे बाजी गाली गुफ्तार रोग दोष से सड़ रहे हैं, और हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, हम पड़े यहाँ हम भी मस्त हैं। जैसे कसाई का बकरा, कसाई लेके चार ठो बकरी मुर्गी थैला वो में डिब्बा में बंद करे रहता है, पत्ती उत्ती डाल देता है, एक ठोर एक खींच के और गड़ासा चला देते है। अब वो पत्ती खाती है बकरिया, देखा थी अब पत्ती खाती, ओह का नंबर आ जाते एक घंटा में, ओह फिर खींच लावत है ठोर। तो हम सब लोग मौत रूपी कसाई के गड़ासे से हम काटे जा रहे हैं। देखी थी चार ठो मुर्दा फेंक आवा है नदी में, अब फिर दो दिन बाद एक मुर्दा तैयार हो जाते। ये कंधे पर सभी लोग तो मुर्दे दफनाए होंगे, लेकिन अपने को एहसास है कि हम भी मरेंगे, हमारो नंबर आई एक दिन, मौत किसी को छोड़ेगी नहीं। और हम ही बढ़िया पाती खाई थी हरियरी, सोची थी अभी और थोड़ा सा माल मलाई खा ले, अभी और देखी आई वहाँ, अभी लाला की सगाई कर ले, अभी बच्चा की ब्याह कर ले, अभी बहुरिया आ जाए, अभी नतिनिया की शादी कर ले, ये सब आनंद ले रहे हैं, खाने पीने देखने सुनने का मजा। अब मौत कहा दिन रही जा बहन, पकड़ के घसीट के गोड़ कतर देती, समाप्त, सब रोए गाय के रह जाते परिवार के लोग। मौत कसाई है, छोड़ेगी नहीं आएगी। तो इसलिए हमको जीवन रहते रहते क्या करना चाहिए, मौत ना आ जाए, उस आएगी जरूर। सब कुछ झूठा हो सकता है, मौत झूठी नहीं होती, एक दिन वो आएगी और छोड़ेगी नहीं। तो हमको क्या करना चाहिए, सावधान होना चाहिए, उसके आने के पहले, चिता जलने के पहले चिंता मिटा लेनी चाहिए, हमको निश्चिंत होना चाहिए। अनिश्चिंतता कैसे आएगी, जब अच्छे कर्म होंगे, ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, उसके लिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, बोधवान वैराग्यवान गुरुजनों के पास। गुरु गोरु गोरुआ सदगुरु चाठ होते हैं, एट गुरु होत है, ये सब माता पिता जैसे आप सब लोग गुरुए में हो, एट गोरु होत है, एट गुरुआ होत है, गुरुआ भी साधु के वेश में होवा करत है, लेकिन वह टंट घंट सिखावत है, ठगत खात है, दगाबाजी करता रहता है, लोग जान नहीं पाते, वह से भगत हुई जात। एट गोरु है, शराब पी के झूमत है और सबका पुजवावत, गादला एक बलि चढ़ाओ सब तो ठीक हो जाई, पमाल पंडा ओझा ये गोरु वही भला, इनके लिए कभो न जाग जाई, ये हत्या पाप करवा देते हैं और गंदे आचरण से डुबा देते हैं, बलात्कार कर देते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, किसी को, भाई बंधुओं माँ बहन किसी को पास नहीं जाना चाहिए, बचना चाहिए। गुरु ठीक हैं, इनसे शिक्षा ले लो, बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से, लेकिन ये जो गुरु गुरुआ हैं इनसे कुछ मिलेगा नहीं। एक सदगुरु होता है, सदगुरु आपके भले की बात, आपके कल्याण की बात, आपके परिवार के लिए, आपके माँ बहन के लिए, सबके लिए सहूलियत सुमत संगठन की बात कहेंगे, कल्याण की बात करेंगे कि आप धन से, परिवार से, प्रेम एकता से, समाज से उन्नति करो, आगे बढ़ो, मानवता को जीने लायक इस धरती को बनाओ। इस तरह से हमको सबको जगना है, अंधविश्वास दुर्व्यसन और से दूर होकर के शुद्धता सफाई, अपने परिवार समाज को समझ करके मानव जीवन का कल्याण करना है। और इसी से
सुख शांति भी आएगी और जीवन भी सार्थक होगा। अपनी बात को मैं ही विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भगत जी जी को बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों से ये प्रयास किया कि साहब आइए हमारे परिवार और बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ बातें कहिए। तो ये अवसर मिला, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग बड़े प्रेम से सुने और इसका आदर करेंगे, अपने जीवन में विचार करेंगे, आचरण करेंगे, इससे आप सबको लाभ होगा। और उन्होंने भोजन और भजन दोनों का इंतजाम किया। देखो अभी शायद भोजन का भी इंतजाम है, आप लोग भोजन नहीं किए हैं। भोजन भजन ये शरीरिया में भोजन जाई और भजन ये मन में जात है, दिमाग में, हृदय में, तो दोनों इंतजाम किया। आप बाहर जाते भोजन करने तो वहाँ पेटे भरे का इंतजाम होता, लेकिन यहाँ दोनों इंतजाम है। जीव के लिए भी, जीव का खुराक है ज्ञान भक्ति, और पेट शरीर की खुराक या दाल भात रोटी, तो दोनों इंतजाम है ये। तो आप सबको, सब लोग उनका आदर करें और प्रेम से भोजन करें, और इस तरह का सत्संग भजन होता रहे, ये भाव बना करके आप लोग भी सत्संग भजन से जुड़ें, संत गुरुजनों से जुड़ें और अपने परिवार और जीवन को खुशहाल बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।